द डार्क जंगल में शक्ति कपूर साहब है, असरानी साहब हैं, अपने बहुत सारे हिंदी के स्टार्स हैं, अली खान साहब, अरे भाई मेरा क्या थोड़ा डर थोड़ा सा डर जाइए एक नया विलेन आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। किसी के भी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हों। ज़्यादातर तो हिंदू हम अपने ही मजहब के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। क्या किरदार निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं प्रोजेक्ट को लेकर? हम जो किरदार निभा रहे हैं वो सब अभी साइलेंट है ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि अगर पहले से बता देंगे तो आप लोगों में उत्सुकता कम हो जाएगी। लेकिन जो भी किरदार निभा रहे हैं वो शंभू जी की कृपा से बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं अभी जैसा कि सब ने अपना रिएक्शन दिया है वो तांडव के प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पे जो इस तरह से बवाल करना? हाँ, ये चल जाए प्रोजेक्ट, वो देखिए अभी अभी जो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हिंदू क्या बोला था आपने उनके लिए संजय पांडे जी से, ग्रांटेड लिया जाता है, तो अलवेज उनके किसी के भी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हों, हर धर्म एक समान। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए ये फिल्म वाले, मतलब हम लोग भी उसमें आते हैं, फिल्म वाले अपने दूसरे धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में, ज़्यादातर तो हिंदू हम अपने ही मजहब के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमें अपने धर्म या किसी के भी धर्म के बारे में गलत दिखाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और हर किसी को फिल्म बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी के भी मजहब या किसी के भी आस्था को ठेस ना पहुंचे, ऐसी फिल्म बनाएं। सर इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए बता दीजिए? इसके अलावा मैं चिंटू के साथ माई बाबूजी के आशीर्वाद, पवन जी की एक फिल्म आ रही है क्या प्यार हो गई, फिल्म रिलीज होने वाला डार्क जंगल, द डार्क जंगल आ रही है, हिंदी फिल्म आ रही है, थैंक यू सो मच शिवाजी जो जिसमें मैं मेन विलेन हूँ। अली खान साहब, अरे भाई मेरा क्या थोड़ा डर थोड़ा सा डर जाइए एक नया विलेन आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, द डार्क जंगल में शक्ति कपूर साहब है, असरानी साहब हैं, अपने बहुत सारे हिंदी के स्टार्स हैं, उसमें मुझे मेन विलेन करने का मौका मिला है और मैंने किया है। डायरेक्टर हैं राकेश सावंत जी। अभी हम द डार्क जंगल नहीं, हम अपनी फिल्म पायलिया के बारे में बात करते हैं, है ना। शंभू पांडे जी ने मुझे ब्रेक दिया है अपनी फिल्म में, सो मैं इनका आभारी हूँ। नहीं नहीं, इनको ब्रेक क्या, वो इतना पॉपुलर आदमी है, इतने टीवी सीरियल फिल्म की है, इनको ब्रेक क्या जरूरत। तो और इनकी आगामी 2-3 फिल्में और भी है, सब में मैं अभी से बोल ही लेता हूँ कि मैं साइन हो चुका हूँ सारी फिल्में आप लोग गवाह हैं कि इन्होंने मुझे बोला है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो इनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना।